सड़क पर कभी कभी आपकी जरा सी गलती या गुस्सा किसी की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को ही खत्म कर देता है। ऐसा ना हो इसके लिए इंदौर में एक पिता सड़क पर यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक दर्दनाक हकीकत है। 17 दिसंबर 2020 ये वो तारीख है जब पलासिया में डंपर के नीचे आने से सतीश सोनी के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई थी। दरअसल उनका बेटा कार में सवार था, आगे से स्कूटर सवार मोबाइल पर बात करते हुए जा रहा था। बेटे ने कार को रोककर उसे आगे से हटने को कहा तो विवाद हो गया, जो इस कदर बढ़ गया कि स्कूटर सवार ने उसे धक्का दे दिया। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक डंपर की चपेट में आने से उनके बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। मैं सतीश सोनी आपको इस माध्यम से जो है मैं बताना चाहता हूँ, मैं कुछ ट्रैफिक पे कार्यक्रम मैंने स्टार्ट करा है और उसके यातायात नियमों का पालन कैसे हो, क्यों हो और क्या कारण है उसके पीछे। एक कारण जो मेरे लिए सबसे जिंदगी का सबसे खराब दिन था वो आज से 3 साल पहले 17 दिसंबर 2020 को मेरा बेटा एक ऐसी ही गलती के कारण जो है एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। क्योंकि वो प्रोग्राम वो जो एक एक्सीडेंट था वो आदमी सामने वाला स्कूटर पे मोबाइल से बात करते हुए जा रहा था, वो बेटा कार में था। एक जरा सी दुर्घटना दोनों की आपसी में काफ़ी बोला चाली और उस जिससे स्कूटर पे जो मोबाइल से बात कर रहा था उस आदमी ने जो है मेरे बेटे को 2-4 चांटे मारने के बाद में धक्का दे दिया। धक्के के कारण उसी टाइम एक डंपर का वहाँ से गुजरना हुआ और उस एंट्री के कारण एक जरा सी गलती के कारण मेरा बेटा उस एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी दुखद घटना उस जीवन की और रही है। भविष्य में फिर किसी के साथ इस तरह का दर्दनाक हादसा ना हो इसके लिए सतीश सोनी ने जागरूकता कार्यक्रम का बीड़ा उठाया और कहते हैं आपकी लापरवाही गुस्सैल रवैया सड़क पर सही नहीं है। कोशिश कीजिए कि सड़क पर आप हाथ जोड़िए और आगे निकल जाइए। इसके लिए बकायदा उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। उससे एक सबक लेते हुए मैं ये चाह रहा हूँ कि आगे भविष्य में किसी भी परिवार का कोई भी बेटा किसी भी हालत में कोई भी ऐसी गलती के कारण नहीं मरे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यातायात के ऊपर और एक डिसिप्लिन के ऊपर कि जहाँ दुर्घटना होए वहाँ पे हम किसी भी आदमी से उलझे नहीं, हम उससे हाथ जोड़ के विनती कर लें। हो सकता है हमारी गलती हो तब भी हम ये मान लें कि ये गलती जो है उसकी भी गलती हो तो भी हम ये मान लें कि हमारी ही गलती है और हम हाथ जोड़ के वहाँ से निकल जाएं। ये एक बहुत बड़ा मेरे बेटे के कारण सिर्फ एक इस बहस के कारण जो है उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और मैं नहीं चाहता कि आगे से ऐसा कुछ हो। इसलिए एक तो ये नियम जरूर वो सड़क पे चलते हुए देखे, दूसरा यातायात नियमों का पालन बहुत सख्ती से करे। हेलमेट लगाए बगैर उसे घर से बाइक पे नहीं निकलना चाहिए। गाड़ी में अगर बैठा है तो सीट बेल्ट के बगैर उसको जो है गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। ऐसे ही जो है जेब्रा क्रॉसिंग हो रहा है उस पर भी गाड़ी को रोक के रखना है, उसको लाल लाइट में बिल्कुल गाड़ी से आगे नहीं बढ़े। मैंने इसके पीछे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बेटे के ऊपर बनाई भी है, उस फिल्म को अगर वो देखे और उस पर कुछ थोड़ा सा विचार करके ये समझे कि नहीं ये ज़िंदगी में कभी भी किसी परिवार के साथ हो सकता है, अगर उसके मन में इतना सा आ जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं चाहता हूँ कि ये सब स्कूल सारे कॉलेज इसमें जो हैं किसी भी हालत में ट्रैफिक के अवेयरनेस के ऊपर क्लास चलाना चाहिए। सतीश कौशिक ये मानते हैं कि इसकी शुरुआत स्कूल और कॉलेज से ही होनी चाहिए और इसके लिए सरकार को भी गंभीरता दिखाने की जरूरत है।